अनुलोम विलोम का अभ्यास आज हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले हम किसी आसन का चयन करते हैं, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन। तो अभी हम जिस अवस्था में बैठे हैं इसका नाम है सिद्धासन। दोनों घुटना इसमें सटा हुआ रहता है, पीठ को सीधा रखते हैं और दोनों हथेली को हम सामने रख करके ध्यान मुद्रा लगा लेते हैं। और ध्यान मुद्रा बाएं हथेली लगा करके घुटने पर लगाएं, दाहिने हाथ को सीधा करके तर्जनी को मोड़ दिए, अंगूठा को दाहिने नाक पर लगाएं, आँख बंद करके बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरना शुरू किया। 5 सेकंड तक भरते रहेंगे। जब सांस भर लेंगे अंदर तो दो बीच की अंगुलियों से बाएं नासिका को धीरे से बंद करके अंगूठा हटाकर दाहिने नासिका से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। जब सांस निकल जाए 5 सेकंड में तो फिर दाहिने नासिका से सांस को भर लीजिए। फिर दाहिने अंगूठे से दाहिना नाक बंद करके बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। यही क्रम 5 मिनट से लेकर के आधा घंटा, एक एक घंटा, 5-5 घंटा तक करवाते हैं। इस अभ्यास को यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो शरीर के अंदर 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगती हैं, जागृत होने लगती हैं। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने के कारण हमारे हृदय में जो अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए जाते हैं तो बहुत बढ़िया से शुद्ध होने लगते हैं और शरीर का शुद्धिकरण भी हो जाता है, रक्त की शुद्धि भी हो जाती है। फूंक सांस भरिए। जिनको अनिद्रा की समस्या है, जिनको नींद नहीं आती है, उनको अनुलोम विलोम अमृत के समान काम करता है, औषधि के समान काम करता है। उनको आधा आधा घंटा से लेकर 2-2 घंटा, 3-3 घंटा तक इसका अभ्यास करना चाहिए। तो आइए मिलकर के इसका अभ्यास हम करते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास अत्यंत ही पवित्र और पावन अभ्यास होता है। इसमें मन की शुद्धि, मन के आवेश आवेग को धीरे धीरे दूर करते चले जाते हैं। इसी अभ्यास में योगा सच्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध इसी अभ्यास में करते हैं। हमारे मन के अंदर किसी प्रकार की कोई अशुद्धि हो तो आप इससे धो डालिए, अनुलोम विलोम के अभ्यास से। बहुत अच्छा अभ्यास। खूब सांस लंबा लंबा भरिए। सांस भरने में और छोड़ने में आपको 5 सेकंड का समय लगाना है। हड़बड़ा करके अभ्यास को नहीं करिएगा। अनुलोम विलोम का अभ्यास, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर को जागृत करने का अभ्यास, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना को जागृत करने का अभ्यास, मन की दशा को बदलने वाला, मस्तिष्क को, दिमाग को स्वस्थ बनाने वाला, उसको पोषण देने वाला, ताकत देने वाला अभ्यास अनुलोम विलोम। यदि जो बच्चा पढ़ाई लिखाई यानी स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, याद नहीं हो रहा हो, उनको अनुलोम विलोम पढ़ाई के क्रम में बीच बीच में एक एक मिनट, दो दो मिनट का यदि करते रहें बीच बीच के अंतराल पर, तो उनको पढ़ाई में भी मन लगेगा, याद भी बढ़िया होने लगेगा। लगातार करिए, खूब लंबा खींचिए सांस 5 सेकंड। 5 सेकंड यदि होने लगे तो 7-7 सेकंड करिए, 10-10 सेकंड करिए। शरीर को सीधा रखिए।